जेठ के महीना में प्रैक्टिस कर रहे हैं और पत्नी से कह दिया जाओ बाण उठा के लाओ, हर बार छोड़े, फिर वो उनकी पत्नी लेके आए, हर बार छोड़े पत्नी लेके आए। तो एक बार जब उनकी पत्नी लौट कर आई तो उनका मुखमंडल मुरझाया हुआ था। ये उदास क्यों है, ये मुरझाया हुआ क्यों है, क्या हो गया? सूरज की किरणों ने मेरा ही हल किया नाथ, सूरज की किरणों ने। अपना धनुष लिया, धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा जिस सूरज ने मेरी पत्नी को कष्ट पहुंचाया है उस सूरज को मैं दंड दूंगा। अच्छा, उनको नहीं पता वो सूरज है, वो ब्राह्मण बन के आए थे ना, तो उन्होंने कहा एक बात बताइए, सूर्य ही तो जीवन दाता है, सूर्य की तपस से वर्षा होती है, वर्षा से फिर समय समय पर मानवों के लिए अन्न होता है, पशुओं के लिए तृण होता है, फल फ्रूट्स उसके बाद आते हैं, पितृण कैसे उतरेगा? एक सुयोग्य पुत्र उत्पन्न करें, तुम्हारा शत्रु जिसे तुमने पूर्व जन्म में बहुत दुख दिया हो वो पूरे जीवन भर जब से पैदा होगा तब से लेके मरने तक सिवाय तुम्हें दुख देने के कोई काम कर नहीं सकता। एक बार परशुराम जी के पिताजी, नाम बताओ क्या है, परशुराम जी के पिताजी का नाम जमदग्नि, हाँ तुम्हें पता है, इनको नहीं पता किसी को, सब मौन है। उनकी पत्नी का नाम रेणु, रेणुका। परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि शस्त्रों से अभ्यास कर रहे थे, धनुष बाण चला रहे थे, धनुष बाण प्रैक्टिस कर रहे थे। अब जेठ का महीना था, ध्यान से सुनना, जेठ का महीना था, अब जेठ के महीना में प्रैक्टिस कर रहे हैं जमदग्नि जी और पत्नी से कह दिया जाओ बाण उठा के लाओ, अब बाण छोड़ दे, वो बाण लेके आए। अब जेठ की दोपहरी कितनी तेज होती है और बाण भी खूब लंबे लंबे चलाएं तो दूर जाना पड़े उनको, और हर बार छोड़े फिर वो उनकी पत्नी लेके आए, हर बार छोड़े पत्नी लेके आए, तो दोपहर में और कितना करती, आजकल की पत्नी की ये सेवा हो जाए तो कि प्राणनाथ बाण चला रहे हैं और देवी को कह के आए जाओ लेके आओ। अच्छा, पहले तो चप्पल भी नहीं थी, नंगे पांव जाना तो बताओ देवियों कैसी रहेगी सेवा, अब बोलो है? बार बार ऐसे चला रहे थे। तो एक बार जब उनकी पत्नी लौट कर आई तो उनका मुखमंडल मुरझाया हुआ था। तो जमदग्नि जी ने पूछा देवी कमल के सदृश खिला हुआ तुम्हारा ये मुखमंडल, इतनी शोभा इस मुखमंडल की, ये उदास क्यों है, ये मुरझाया हुआ क्यों है, क्या हो गया? तो उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा नाथ ऊपर से सूर्य की तपस और नीचे से पृथ्वी की तपस, पृथ्वी भी तप रही है, जेठ का महीना बड़ी गर्म है और ऊपर से सूरज तप रहा है, अंत तो गत्व आप ये समझ लीजिए सूरज की किरणों ने, सूरज की किरणों ने मेरा ये हल किया है, सूरज की किरणों ने मेरा ये हल किया नाथ, सूरज की किरणों ने। अब देखिए जमदग्नि जी का तेज देखिए, उनकी सामर्थ्य देखिए, क्या सामर्थ्य है, उन्होंने अपना धनुष लिया और धनुष पर बाण चढ़ाया, अपना धनुष लिया धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा जिस सूरज ने मेरी पत्नी को कष्ट पहुंचाया है उस सूरज को मैं दंड दूंगा। क्या ये ऋषियों का तप, देखो कि जिस सूरज ने मेरी पत्नी को कष्ट पहुंचाया है मैं उसे दंड दूंगा, धनुष पर बाण चढ़ा लिया। सूरज भगवान को लगा ये तो अभी सूपड़ा साफ भी कर सकते, न जाने कौन सा बाण किस उद्देश्य से चला दे, तो अपन तो गए, तुरंत गए, ब्राह्मण का रूप बनाया
और ब्राह्मण का रूप बनाकर जमदग्नि के सामने सूर्य भगवान पहुंचे और सूर्य भगवान ने पूछा, देवता आज बड़े क्रोध में हो, ब्राह्मण देवता ऋषिवर आप बड़े क्रोध में हो, क्या हो गया, किस पे क्रोध आ गया आपको? तो जमदग्नि जी ने कहा, आज मैं सूरज को नहीं छोड़ूंगा। पर क्यों, हुआ क्या है ऐसा? अरे इस सूरज की किरणों ने मेरी पत्नी के एक कमल सदृश खिले हुए मुखमंडल को देखो कैसा कर दिया, कितना कष्ट मेरी पत्नी को हुआ, ये सूरज को सोचना चाहिए। तो सूरज भगवान ने कहा, देवता, अच्छा उनको नहीं पता वो सूरज है, वो ब्राह्मण बन के आए थे ना, तो उन्होंने कहा एक बात बताइए, अगर गर्मियों में सूर्य न तपे, ध्यान से सुनना, ऋण की बात हो रही है, अगर गर्मियों में सूर्य न तपे तो वर्षा कैसे होगी, और अगर वर्षा न हो तो फिर अन्न कैसे होगा, और अन्न ना हो, फल ना हो, पशुओं के लिए तृण ना हो, तो ये जीवन कैसे चलेगा? सूर्य ही तो जीवन दाता है, सूर्य की तपस्या से वर्षा होती है, वर्षा से फिर समय समय पर मानवों के लिए अन्न होता है, पशुओं के लिए तृण होता है, फल फ्रूट्स उसके बाद आते हैं। तो सूर्य पर आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? सूर्य नहीं तपेंगे तो बनाई हुई परमात्मा की यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तो सृष्टि को चलाना तो सूर्य को तपना हो, सूर्य जीवन दायक है। परिश्ने मेरी पत्नी को कष्ट पहुंचाया, बोले प्रभु इस समस्या का समाधान मैं आपको देता हूं। क्या? तब सूर्य भगवान ने उनको छाता दिया, छाता कि इसको आप ऊपर लगा के चलेंगे तो आप सूर्य की किरणों की ताप से बच जाएंगे। अरे बोले पृथ्वी तो फिर भी तप रही है, इससे फिर क्या, इससे कैसे बचेंगे? तब सूर्य भगवान ने जूते दिए, ये पहनो और इसको पहनने से आप नीचे के ताप से बच जाएंगे, लेकिन समस्या हो तो समाधान ढूंढिए, ऐसा नहीं कि सूर्य को ही खत्म करने लग जाए। महाराज प्रणाम करता हूं मैं आपको, तो बताइए सूर्य का ऋण है कि नहीं हम पे, बोलो, चंद्र का ऋण है कि नहीं, जल का ऋण है कि नहीं, अग्नि का ऋण है कि नहीं, तो इनका ऋण चुकाने का हमने क्या काम किया, कुछ भी नहीं, अपना पेट भर जाए हम तो समझते यही ऋण चुक गया, ये ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो सबसे पहले मनुष्य योनि में आने के बाद हमें देवताओं का ऋण चुकाना चाहिए, इसके बाद देवताओं का ऋण चुकेगा कैसे? देवताओं का ऋण चुकेगा यज्ञ करने से। जो आप यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, सामग्री स्वाहा स्वाहा करके जिन जिन देवताओं के नाम से आहुति डाली जाती है आपके हाथ से, वो आहुतियां जो हैं अग्नि देव देवताओं तक पहुंचाते हैं, अग्नि देव देवताओं तक पहुंचाते हैं उन आहुतियों को, वो काम अग्नि देव का है। पितृण, पितृण कैसे उतरेगा? एक सुयोग्य पुत्र उत्पन्न करें, सुयोग्य, ध्यान से सुनना, सुयोग्य पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं। एक पुत्र ऐसा होता है जिसे आप पिछले जन्म में कर्ज लेके आए हैं, वो यहां रहता है जीवन भर, तुम्ही को खिलाना पड़ता है उसे, वो खुद नहीं कमाता था कभी, तुम ही खिलाओगे क्योंकि कर्ज चुकाने आया है। एक जिसे देके आए हो, एक जिसे देके आए हो, वो बहुत कम समय से ही तुम्हारी सेवा में लग जाएगा और वो जीवन पर्यंत तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा आनंद करेगा। तीसरा एक और प्रकार है, तुम्हारा शत्रु जिसे तुमने पूर्व जन्म में बहुत दुख दिया हो, वो पूरे जीवन भर जब से पैदा होगा तब से लेके मरने तक सिवाय तुम्हें दुख देने के कोई काम कर नहीं सकता। वो पुत्र नहीं है, वो शत्रु है पिछले जन्म का, जो इस जन्म में तुमसे बदला ले। अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा है,
महाराज मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं कई लोगों को ऐसे को जानता हूं जिनके बेटों की खातिर वो बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि वो शत्रु थे। इसलिए अपने संतानों को सुयोग्य, सुयोग्य संतान कौन है? एक सुयोग्य संतान उत्पन्न करें जो सजातीय कन्या से विवाह करे। ध्यान दें शब्द पे, सजातीय, जिस जाति में आप हो उसी जाति की कन्या से विवाह करे। और सजातीय कन्या से विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न करे। कैसा पुत्र? संस्कारी पुत्र। किस लिए? बोले तुम्हारे मरे पीछे तुम्हारे पितरों को तर्पण कर सके, ऐसा पुत्र उत्पन्न करे। जब तुम्हारे मरे पीछे तुम्हारे पितरों को जल मिलता रहेगा तो तुम पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे। किसी के पुत्रों 100 और एक भी श्राद्ध और तर्पण इत्यादि न करते हो तो वो पितृ ऋण से उऋण नहीं होते, नहीं होते वो ऋण। एक प्रश्न और आया हमारे मध्य में, बोले महाराज जिसकी औलाद ही ना हो तो हमारे यहां ये माना गया है कि अगर एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं और 3 बेटों में से एक को भी बेटा है तो उनका वंश आगे बढ़ेगा, वो तीनों ही भाई पुत्रवान कहलाए जाएंगे, तीनों ही देवियां मां कहलाई जाएंगी। ध्यान रखना इस बात को, बहुत कम जगह मिलेगा ये आंसर आपको। जैसे एक पिता के 3 संतान, अब 2 को बेटी बेटी है, बेटा नहीं है, एक को बेटा है, तो एक के बेटा होने से तीनों ही पुत्रवान हो गए और तीनों ही मां बन गई, निसंतान उन्हें नहीं माना जाएगा क्योंकि वही बेटा तीनों का पूरा कार्य करेगा। अब तीनों के ही ना हो या एक है तो एक के ही ना हो तो फिर बात तो फिर तो मां आ ही जाएगी। तो इसलिए पितृ ऋण ऐसे उतरेगा। दूसरा, तीसरा, ऋषि ऋण। जिन ऋषियों के ज्ञान से हम ये समझ पाए कि हम ईश्वर के बनाए हुए हैं, जिनके ज्ञान से हमें समझ में आई कि सूर्य का मतलब क्या है, चंद्र का मतलब क्या है, पृथ्वी का मतलब क्या है, जिनके ज्ञान ने हमें मनुष्य बना दिया, उन ऋषियों को भी हमें उनका ऋण है हमारे ऊपर, उन्होंने हमें बड़े बड़े ग्रंथ दिए हैं, तो उनका हम ऋण कैसे चुकाएं? तो हमें तब वेद व्यास जी के, वैसे तो सभी पुराणों का अध्ययन करना चाहिए पर इतना समय है नहीं, तो जब इतना समय नहीं है तो कम से कम हम भागवत कथा जीवन पर्यंत जब अवसर मिले तब सुनते रहें, जिससे हमारा ऋषि ऋण उऋण हो जाए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा।